काल को समझना, समय को समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे धर्मशास्त्रों में और हमारे विद्वजनों ने हमेशा इस बात को कहा है कि समय के अनुसार चलो, और इसीलिए आलस्य को महारोग बताया गया है। मनुस्मृति में भी आपने देखा होगा, जब राजा के कर्तव्य की बात चलती है तो वह आलस्य को राजा का एक दुर्गुण बताते हैं, जब राजा के गुणों की बात चलती है तो वह आलस्य को राजा की सबसे बड़ी कमजोरी बताते हैं। अब रामायण के यदि 100वें सर्ग, बालकांड के 100वें सर्ग की बात करें, जहां राजा का एक शेड्यूल है, अगर आप उसकी बात करते हैं तो भी वहां आलस्य को एक बड़ी व्याधा माना गया है, बाधा मनाया गया है। यदि आप श्री कृष्ण को पढ़ते हैं तो वहां भी आप देखते होंगे कि आलस्य और प्रमाद के विरुद्ध हैं वो। मैंने इस स्वयं के जीवन में भी देखा है, यद्यपि मैं बहुत एजाइल नहीं हूं, लेकिन मैंने ये देखा है कि आलसी जीव चाहे कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह जीवन में कुछ विशेष कर नहीं पाता। और सबसे ज़्यादा ऐसी एक बार मैं स्टडी कर रहा था डिप्रेशन के केसेस की, यदि मेरा स्टडी करने का जो कारण था वो अलग था, लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा उसमें मिला, और वो ये था कि जो लोग अपने आप को काल अनुसार नहीं ढालते, जो अपने आप को वक्त के अनुसार नहीं चलाते, यानी आलसी हैं, प्रमादी हैं, जो भी आप कह सकते हैं, उनमें डिप्रेशन की परसेंटेज मैक्सिमम निकली। मैं नॉन क्लिनिकल स्टडी कर रहा था डिप्रेशन की, तो उसमें वो लोग मैक्सिमम निकल के आए जिनको कोई दिमागी परेशानी नहीं है, उनकी नर्व्स भी इन ऑर्डर हैं, उनके डिफरेंट लिम्ब्स भी इन ऑर्डर हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन भी इन ऑर्डर है, ब्लड सर्कुलेशन भी इन ऑर्डर है, ऑक्सीजन लेवल भी इन ऑर्डर है, लेकिन उनका जो कार्य है वो पाइल अप होता चला जाता है, इसकी वजह से घबराहट होती है। दूसरी बात कि वह चूंकि काल के अनुसार नहीं चलते हैं, काल उनसे आगे निकलता चलता है, वो पिछड़ते चले जाते हैं, उससे उनको डिप्रेशन होता है, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया वो कभी लौटकर दोबारा नहीं आता। इसे जो जितनी जल्दी समझ ले उतना बड़ा विद्वान है, समझ में बहुत मुश्किल से आता है, जब आता है जब हम सब कुछ लुटा बैठते हैं, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या क्या, बड़ा सुंदर गीत है ये मोहम्मद रफी का। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें समय के अनुसार चलना है, और हमारे अंदर की जितनी वृत्तियां हैं या जितने आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है जीवन की, हंसना, खेलना, कूदना आदि आदि, घर गृहस्थी वगैरह, पढ़ना, वह सब कुछ समय के अनुसार होनी चाहिए, एक बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल होना चाहिए, और उसमें से एक वक्त, इसे मैंने पहले भी इसको आपको बताया है कि अपने शेड्यूल को रखिए, एक स्वयं के लिए, घर के परिवार के लिए एक समय रखिए, समाज राष्ट्र के लिए एक समय रखिए, अपने इष्ट के लिए।
तो इस तरीके से आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत सरलता से कर पाएंगे। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हमसे कई सौ गुना ज़्यादा काम है, फिर भी वो करते हैं क्योंकि वह आलसी नहीं है, तेज काम करते हैं, उन्हें कोई उनके रास्ते से दिगा नहीं पाता, वो जा रहे हैं उस वक्त वो आपको हो सकता है राम राम श्याम श्याम भी ना करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है किसी भी व्यक्ति का, जो उस व्यक्ति को साधारण होते हुए भी बहुत महान बना सकता है। और जिस व्यक्ति के अंदर आदत होती है आलस्य और प्रमाद में जीवन जीने की, क्षणिक खुशी तो उसको मिल जाती है लेकिन उसका जीवन कभी भी सुधर संभल नहीं पाता, और वो हमेशा आगे जाकर यही कंप्लेंट करेगा कि हम में बहुत काबिलियत थी लेकिन हम चापलूसी नहीं करते थे। वो अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करता है। इस दुनिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊंचाइयों के शिखर पर हैं और उन्होंने भी चापलूसी नहीं की, अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़े हैं। ईश्वरीय अनुकंपा तो चाहिए, जिसे हम भाग्य कहते हैं, लेकिन काल के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति को आसानी से जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वो हमेशा अप टू डेट रहता। तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। दूसरी बात ऐसे ही मन में आ रही है तो मैं कह रहा हूं कि स्वामी जी कहते थे संभव के लिए असंभव की सीमाओं से पार जाना पड़ेगा, यानी हमें अपने दिमाग और शरीर पर स्ट्रेच करना चाहिए। हम उसका जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उसमें उतनी ज़्यादा शक्ति है, वह उतना ही ज़्यादा उपयोगी होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा। एग्जॉस्ट कोई चीज़ कब होती है? जब हम ये मान लेते हैं कि हम एग्जॉस्ट हो गए, अदरवाइज एग्जॉस्ट नहीं होता। कोई अरुचि उत्पन्न हो जाती है, बोर्डम, आप उस वक्त में दूसरा काम कर लीजिए। एक धावक को देखिए जिससे वास्तव में दौड़ना आता हो, उसकी बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं टाइम कभी थोड़ा बहुत भाग लिया, वो नहीं, जो रेसेस हैं, जब वो दौड़ते हैं या थक जाते हैं या अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं, वो रुकते नहीं हैं। अगर रुक गए तो शरीर जाम हो जाएगा, मसल्स पुल हो जाएंगे, इसलिए वो वाली दौड़ खत्म कर देते हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हल्की फुल्की उछल कूद वो करते रहते हैं 15-20 मिनट तक, जिससे कि शरीर शनै शनै शांत हो। एकदम हो गया तो नुकसान हो जाएगा, पानी एकदम पी नहीं सकते, हृदयघात होने का डर रहता है या पित्त उछलने का डर रहता है। तो इस प्रकार से जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें अरुचि उत्पन्न होती है, थकन नहीं होती। थकन तो बहुत एक्सट्रीमली लेवल पे जाके होती है, वहां तक तो ज्यादातर लोग पहुंचते ही नहीं है, ये मेरा अनुभव है। हम में से ज्यादातर लोग आधे रास्ते को ही अपने लिए पूरा रास्ता बना लेते हैं और अपना ही दिमाग सोचने लगता है अब थक गए, बड़ा काम हो गया आज, लेकिन वो अरुचि है। थोड़ी देर कुछ और काम कर लीजिए, पुनः पूर्व के कार्य में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, फिर आगे बढ़ जाइए। कभी कभार अलग बात है कि कोई तनाव है या आप कई रात से जागे हैं, कोई गृह कार्य था या ऐसा कुछ रहा, ट्रैवलिंग कर रहे थे वगैरह वगैरह, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। दरअसल हम अपने मानक स्वयं बना लेते हैं और वो काम करते हैं। अब जो जितना कमजोर मानक बनाएगा, जितना नीचा मानक बनाएगा, वह उतनी जल्दी थकेगा, और जो अपने लिए जितने ऊंचे मानक सेट करेगा उतना देर से थकेगा। काल भारतीय शास्त्र में दो कारणों से उल्लेखित है
पहला कि हमें काल की गणना आनी चाहिए, और यहां काल का अर्थ केवल पृथ्वी नहीं है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस है भी है, पृथ्वी, सन, मून, मार्स एक्सेट्रा। तो पृथ्वी का काल समष्टि में द माइक्रो सिस्टम, और एक है माइक्रो सिस्टम। तो जो माइक्रो सिस्टम है उसमें हम आप के लिए जो हमारे आपके लिए जो काल है वो देखा जाता है। एट प्रेजेंट ये 24 घंटे माने जाते हैं, यद्यपि 24 से थोड़ा सा ज्यादा है, धरती धीरे होती जा रही है। तो काल एक तो ये है, और दूसरे जो काल का उल्लेख हम लोग करते हैं वो करते हैं मनुष्य के जीवन के लिए, जैसे काल आ गया यानी आयु पूरी हो गई। काल चला गया यानी अब आप पीछे रह गए, तो इस प्रकार से वह काल को डिनोट करते हैं। काल की गणना बड़ी सूक्ष्म रूप से की गई है, और यह भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। अब देखिए यहां पर कितनी क्लियर डेफिनेशन मैत्री जी दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है जिसका और विभाग नहीं हो सकता, समझ रहे हैं, थोड़ा हिंदी में डिफिकल्टी हो रही होगी। पृथ्वी या कोई भी कार्य है उसका जो मिनिमम लेवल है, मतलब वो लेवल कि अब इसके आगे ये नहीं बांटा जा सकता। जैसे एक मिनट को आधा आधा मिनट कर लिया, आधे मिनट को थ्री फोर्थ कर लिया, इसी तरीके से हम उसको बांटते चले जा रहे हैं। यानी एक मान लीजिए ये पेंसिल है, यहाँ से तोड़ी, यहाँ से तोड़ी, यहाँ से तोड़ी, यहाँ से तोड़ी, अब ये इतनी सी रह गई यानी अब ये नहीं तोड़ी जा सकती। या कागज़ ही है, आप उसको फाड़िए, जोड़िए, ऐसे ऐसे करिए, एक सीमा ऐसे आएगी कि वो कागज फटेगा ही नहीं आपसे, यानी उस सीमा की बात कर रहे हैं। तो वो यूनिट क्या कहलाती है? परमाणु। यानी हमारे काल का जो प्रारंभ है वो परमाणु से है। कितना सूक्ष्म ज्ञान है, सोचिए। ये उस परमाणु की बात होती है जो परमाणु अब जो मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है, और इसी परमाणु पर एक बड़ा 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 द्वंद है। द्वंद है क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स का। यही परमाणु, मैं आपको एक बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं, समझना आपको है, समझाऊंगा नहीं आज, अभी मैं ये टेस्ट करूंगा कि आप किस स्तर तक है। और इन चीजों को देखिए, मैं हमेशा कहता हूं प्रमाद की अवस्था क्षणिक हो तो अच्छा है, और कार्य की अवस्था अधिकतम हो तो अच्छा है। यानी हंसी मजाक क्षणिक हो, और बाकी आपका काम है लगातार सोचना, लगातार सोचना। एक उम्र कम है कुछ फिलोसफीज पे सोचने के लिए, हम इधर उधर 100 जगह अटकते भटकते हैं, एक उम्र कम है। तो लगातार सोचना, उसका चिंतन करना। मैं इस बात को बिना किसी दुराग्रह के कह सकता हूं कि मैंने इस आश्रम में ऐसा चिंतन करते हुए दो चार लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा, करते ही नहीं, समय नहीं है, इच्छा ही नहीं, समय तो बहुत होता है सब पे, इच्छा नहीं है, चलते फिरते वह चिंतन। रुचि की भी बात है, अभी टोने टोटके की बात करेंगे तो अलग किस्म के लोग आएंगे, अभी ज्योतिष की बात करेंगे तो अलग किस्म की वार्तालाप करने लोग आएंगे, लेकिन अगर हम वेदांत की बात करें, ये वेदांत का मूल सूत्र है परमाणु, वेदांत की बात करें तो अलग किस्म के लोग आएंगे। नाच गाना हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाना हो, कथा सुननी हो, तो अलग किस्म के लोग होंगे। सब ठीक है, सबका अपना, सबकी अपनी रुचि है, सबका अपना इंटरेस्ट है, सब ठीक है, लेकिन हमें जिस राह पे जाना है उसको समझने के लिए चिंतन मनन बहुत आवश्यक है।
बैठे हैं, सोच रहे हैं, कभी कभी वो अवस्था आपकी आनी चाहिए कि सोचते सोचते आंख खुल गई, बैठ गए, और फिर अब ये मतलब नहीं आंख खुल गई तो चलो चाय बनाए या पड़ोसी को बिठाए तो भी खोला, आंख खुल गई, अब चिंतन शुरू, कुछ लिख रहे हैं। कई घंटों के चिंतन के बाद कोई व्यक्ति अगर बहुत बुद्धिमान है तो 2-4 लाइनें लिख पाएगा कुल। बहुत वर्ष पुरानी बात है, कोई भी एक चीज होती है तो बाकी जितने विषय हैं सब उसको अपने तरीके से लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एम ऑफ द लाइफ, एम ऑफ द लाइफ एक ऐसी चीज है जो स्पिरिचुअलिटी अलग तरीके से सोच रही है लेकिन सोच रही है, फिजिक्स अलग तरीके से सोच रही है लेकिन सोच रही है, कॉस्मोलॉजी अलग तरीके से सोच रही है लेकिन सोच रही है, बायोलॉजी अलग तरीके से सोच रही है लेकिन सोच रही है। तो जब हम इस पर मनन चिंतन करने बैठे तो करीबन 20 दिन बाद मेरा जो आउटपुट था वो था 1.5 लाइन। हालांकि आई एम नॉट अ यार्डस्टिक, मैं कोई स्टैंडर्ड नहीं हूं, मैं सामान्य बुद्धि का ही व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अपने लिए बता रहा हूं, मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि इतना सोचने के बाद जब लिखने बैठ, जब आप लिखते हैं तो आपका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। सोचते हैं उस वक्त तो मन की गति ही अलग होती है। लेकिन जिस वक्त हम लिखने बैठते हैं तो हम बहुत प्रैग्मेटिक होते हैं। जब हम सोचते हैं तो हजारों किस्म के शब्द हमारे पास होते हैं जिनका इनफैक्ट कोई अटैचमेंट नहीं होता एक दूसरे के साथ, वो विचार का प्रवाह होता है। जब हम लिखते हैं तो उस प्रभाव में वह अटैचमेंट आता है, वो प्रैक्टिकल स्वरूप है उसका जो हम सोच रहे थे। इसलिए बहुत सारे लोग सोचते सोचते निद्रा को प्राप्त होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते सोचते कर्म को प्राप्त होते हैं, बहुत सारे लोग सोचते सोचते लिखते हैं, और जब लिखते हैं तो वो थोड़ा सा होता है, घंटों की सोच बस इतना ही होती है जो आपको आपकी कॉपी पर दिखाई देती है। इसीलिए फिलॉसफी लिखना बहुत कठिन है, आर्टिकल लिखना चाइल्ड्स प्ले है, बच्चों का खेल है। कोई भी व्यक्ति जब 22-23 साल 24 साल का हो जाए, उसके उसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो एक आर्टिकल लिखना बच्चों का खेल है। भारत में तो खासतौर से सोशल साइंसेस में बच्चों का खेल है, क्योंकि आपने रेफरेंसेस देने ही देने, आपको कितना आसान कर दिया आर्टिकल लिखना कि ओरिजिनल कुछ मत लिखो, रेफरेंस दो, देते चले जाओ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आपका काम ही कितना सा है, 1000 वर्ड पूरे, 2000 वर्ड पूरे, पीएचडी करना उसमें, क्योंकि ओरिजिनलिटी नहीं है। लेकिन जब आप फिलॉसफी लिखते हैं तो ओरिजिनलिटी होती है, और दुनिया में हम जितने छोटे होते हैं हम उतने ही ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं। उसके बाद तो फिर हमारे विकार हमारी ओरिजिनलिटी को ख़त्म करते हैं, हमारी कंडीशंस, हमारी सर्कमस्टेंसेस, वो सब हमारी ओरिजिनलिटी को ख़त्म करते चलते हैं। इसलिए बच्चा, जो मैं फिलॉसफी का एक सेशन ले रहा था तो मैंने ये कहा था, बच्चा एनी चाइल्ड इज़ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, उसमें ओरिजिनलिटी होती है। और वही समय है जब पेरेंट्स अपने बच्चे को यदि सिखाना शुरू कर दें तो वो बच्चा होगा वैज्ञानिक, ओरिजिनल। बाकी तो हम, अगर आप अपना बहुत डीपली और कैंडिडली एनालिसिस करें तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ या और आई शुड से मैक्सिमम थॉट्स दैट यू हैव आर एक्चुअली बोरोड थॉट्स, उसे आपने
सिर्फ अपने तरीके से ढाल दिया है, वो बोरोड है, इसलिए तो हम लिख नहीं पाते. दैट इज वाई ट्विटर सूट्स अस, दैट इज वाई सोशल मीडिया सूट्स अस, व्हाट्सएप सूट्स अस, क्योंकि वो बोरोड थॉट्स है. आप कितना स्ट्रेच कर लोगे, उसके पीछे आपका चिंतन तो है ही नहीं, इसलिए उनमें इलास्टिसिटी भी नहीं है. और वो सिस्टम शुरू कहां से होता है? एक ऐसे इनविजिबल सिस्टम से जिसका नाम है एटम. यही वो एटम है जिसे आत्मन भी कहा गया. जो मैं बातें अभी आपसे बोल रहा हूं ना, दसों साल लग गए थे इसे समझने सीखने में. जो चीज बहुत आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं होती. इस पर सोचते रहो, यही एटम आत्मन है. मैं आपको क्लूज दे रहा हूं, आप इसे कोरिलेट करो. कोरिलेशन यहां नहीं होगा, यहां तो मेरे क्लूज सुन रहे हो आप. कोरिलेशन होगा टहलते, चिंतन करते, बैठे, समझ रहे हैं, बुक खोलकर बैठे हैं, दिमाग उधर सोच रहा है, तब जाके वो चिंतन आता है. मैं आपको क्लू एक और दे रहा हूं. दिस एटम इज कॉल्ड आत्मन. स्वामी जी ने इस एटम के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी. सेल की बात करी थी, सिंगल सेलुलर सिस्टम. मैं उधर नहीं लेके जा रहा क्योंकि वो डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा. हमें अभी मैत्री जी क्या कह रहे हैं वो समझना है. तो ये वो एटम है, ये वो आत्मन है, जिसको आगे जाकर ऋषि कणाद भी डेवलप करते हैं. चित्रवाहर लगा है उनका. और ये हमारे और आपसे कैसे जुड़ा हुआ है, इसके मैंने सारे क्लूज दे दिए आपको. बिखरे बिखरे हैं. अब इन्हें एक कैसे किया जाए, ये सोचना आपका काम है. इन्हें एक कैसे किया जाए, और ये मैं कहां बोल रहा हूंगा, ये कंक्लूड भी आपने करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं कथा सुनने का. वो कहते हैं जिसका और विभाग यानी डिविजन नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है, और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है. एटम जुड़ते चले जाते हैं ना, मल्टीपल एटम हो जाते हैं, वो भी नहीं, जो अपने आप में एक है. उस परमाणु की बात कर रहे हैं जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता. या एकता का मतलब पॉलिटिकल यूनिटी की बात नहीं हो रही है ये, यहां इसका मतलब है कम्युनिटी. इसको वो कहते हैं ये परम महान है. इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की सूरती होती है. यानी क्या कहना चाह रहे हैं, कोई बता सकता है? नहीं नहीं, वो तो यही कह रहे हैं. हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए इसे? सिंगल वर्ड बोला जाता है, टेक्निकल वर्ड्स को समझना शुरू करो.
है, सुप्त तो वो कह ही दिया उन्होंने। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि यानी कोई उथल पुथल नहीं है। प्रलय का मतलब सीधा यही मान लेते हैं ना, पिक्चर में जो देखा मकान बह गया है। एक एक वर्ड है इसके लिए, निष्क्रिय है थोड़ा सा, और सुप्त और निष्क्रिय लगभग एक ही जैसे है। इसको थोड़ा सा और प्यूरिफाई कीजिए, स्टिल इनएक्टिव इनर्ट, सब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। फिजिक्स की भाषा में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा, ये इनर्ट है, फुल ऑफ एनर्जी बट इज इन इनएक्टिव, जैसे मनुष्य होता है। सब मनुष्य के अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत गुण है, लेकिन ज्यादातर मनुष्य इनएक्टिव होते हैं, इसलिए वह कभी प्रस्फुट नहीं होती। अब इस एटम को चार्ज नहीं किया गया ऐसे समझ लो, मेरे ख्याल से 8-9 से ये फिलॉसफी शुरू हो जाती है फिजिक्स की। इस एटम को चार्ज नहीं किया गया, इस एटम को चार्ज करने से क्या होगा, ऑर्बिटल चेंज, ऑर्बिट नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंचेगा। चार्ज होते ही वो नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, और नेक्स्ट ऑर्बिट में वह घूमना शुरू करेगा, यानी नाउ इट इज इन द स्टेट ऑफ एक्टिवनेस। ये अभी एक्टिव नहीं है, उसमें ना तो प्रलय आदि, प्रलय का मतलब मैंने कहा ना, वही मैं समझना सब कुछ तबाह हो गया वाला। अवस्था भेद की सूरति होती है, ना नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है। कुछ आया कुछ गुजर गया, सोते हुए आदमी को क्या पता, उसे तो अर्थक्वेक का नहीं पता चलता जब तक छत ना गिरे उसके ऊपर, या यूं यूं करके कोई हिला के ना भगाए उसको। ना ही घट पटादी वस्तु भेद की ही कल्पना होती है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव ह्यूमन बीइंग की कोई कल्पना नहीं होती। वो लगता है सोचता हुआ, सोचता नहीं है, वो लगता है काम करता हुआ, करता नहीं है। एग्जाम में जब पेपर नहीं आता था, शायद आपके साथ ना होता हो लेकिन आपके मित्रों के साथ जरूर होता था, तो वो ऐसे ऐसे करके, अब तो नकल मारने चक्कर में लगे, पहले यूं यूं करके कर, कुछ नहीं होते थे, और उसके बाद चुपके से इधर झांकेंगे, और जैसे ही उनको लगेगा टीचर उनको देख रहे हैं, इनविजिलेटर उनको देख रहे हैं, तुरंत तो यहां इसको हम कहते हैं कि भान होता है कार्य का, कार्य नहीं होता है। अब इसे अपनी जिंदगी से एसोसिएट कीजिए, और उस मोमेंट को याद कीजिएगा जब आपने कोई उत्तरदायित्व निभाया और सक्सेसफुली निभाया, जबकि आप वैसे थे नहीं, उसके बाद भी वैसे हैं नहीं, लेकिन उस वक्त की ऊर्जा को याद कीजिए, या उस वक्त की एक्टिविटी लेवल को याद कीजिए, और जो जितना व्याकुल होगा और अपनी व्याकुलता को जो जितना साधेगा यानी नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, वो व्यक्ति उतने ही महान कार्य करेगा। तो वही व्याकुलता है जो एक सामान्य व्यक्ति को डिप्रेशन लाती है, वही व्याकुलता है जो एक सामान्य व्यक्ति को विशिष्ट बनाती है। ऐसी इनर्ट गैसेस भी होती हैं, कितनी गहरी बात है। हम जो सुनते हैं श्रीमद् भागवत, और ये जो एक्चुअल अभी तक हम पढ़ते चले आए तृतीय स्कंध तक, ये वो धर्मशास्त्र हैं जिनके साथ थोड़ा सा जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, लेकिन अद्भुत आनंद है इनके अंदर, अद्भुत आनंद। एक जगह मैं पढ़ रहा था, बहुत पुरानी बात है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर टिकाया कैसे जाए, इस बात के लिए उपदेश दे रहे हैं ऋषि।
तो कह रहे जब एक छोटा पत्थर दूसरे बड़े पत्थर पर टिकाया जाएगा तो उसकी नोक टूटेगी, फिर वो टिकेगा, और यही नोक है अहंकार। क्या जबरदस्त सिमली, आनंद आ गया। यानी जब वो अहंकार नाक अग्रभाग अग्रतम भाग नाक है ना हमारा, जब ये टूट जाती है, मतलब एग्जैक्टली नहीं भावनाओं को समझो, तो जब ये अहंकार टूट जाता है तब एक पत्थर दूसरे पत्थर पर टिकता है, एक समुदाय की रचना होती है। और जिसकी ये नाक आगे निकले यानी चोंच उसकी कोन बनी रहती है, वह पत्थर लुढ़क जाता है, यानी किसी भी समुदाय का हिस्सा वो नहीं बनता, ना बन सकता। कितनी गहरी बात है। और देखेंगे विश्व में अनेक जगह ऐसे पत्थर हैं जो एक के ऊपर एक टिके हुए हैं, और कैसे टिके हुए नहीं पता। जबलपुर में हम लोग देख के आए, ऐसे और भी कई जगह हैं, अफ्रीका में भी है, अमेरिका में भी है, इजिप्ट में भी है। बटर्स बॉल छत्तीसगढ़ में भी है। सिर्फ इतना तो ह्यूज पत्थर है और बहुत थोड़े से स्पेस में एक दूसरे पर टिक जाता है, कैसे? ये उसका आंसर है, नाक नहीं है उसके, दोनों के अहम खत्म हो चुके हैं। इसलिए थोड़ा सा वो घिस गया, थोड़ा सा वो घिस गया, टिके रहेंगे अनंत काल तक। नाक होगी नहीं टिकेंगे, ढह जाएंगे। आगे बात करते हैं, साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। मैन इज मेड ऑफ एन एटम, सूक्ष्मतम, जब हम कहते हैं ऑफ एन एटम, और जब हम कहते हैं कि मैन इज ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ ए न्यूमरस एटम्स, महत्तम। और देखिए पूरी धरती पूरा ब्रह्मांड उसी अणु से जुड़ा हुआ है। और मैंने अभी क्या बताया, एटम मींस तो नहीं कह सकते, लेकिन इट कन्नोटेट्स आत्मन। और अब मैं आपको एक संकेत दे रहा हूं कि पूरा ब्रह्मांड एटम से भरा पड़ा है। सोचने वाले के लिए बहुत समझदार को इशारा काफी। जो चल रहा है एक पुल पर वो भी एटम है, जो एक पुल पर चल रहा है वो भी एटम है, और जिस पुल पे चल रहा है वो भी एटम है। एटम एटम को ही पुल बनाकर अगले एटम तक पहुंच रहा है। समझदार को इशारा काफी। हो सकता है मैं फिजिक्स उतना नहीं समझा पा रहा हूं आपको, लेकिन मैं उसको जनरलाइज कर रहा हूं। और ये थ्योरी किसने दी थी? और आधुनिक समय में डाल्टन। आप भी डाल्टन ही बोल रहे थे? डाल्टन, हाँ डाल्टन ही है ही। डाल्टन एक डाल्टन है जो बिहार में डाल्टनगंज, हमारी कोलोकियल लैंग्वेज के हिसाब से हम उसे बोलेंगे वहां पे, तो मैं तो डाल्टनगंज ही बोलूंगा, डाल्टन। ये अंग्रेजी शिक्षा के हिसाब से जो एक्चुअल है, तो मैंने आपको संकेत दिया भी एक, कौन कितना समझा है ना। वही फिर रफी साहब का एक गीत है ना, देने वाले ने देने में कोई कमी नहीं की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है।
आगे चलते हैं। जो काल प्रपंच, प्रपंच का मैंने अर्थ आपको बताया था, प्रपंच का अर्थ सामान्यता लोग लेते हैं ना झूठ और ये और वो, उस तरह से प्रपंच का एक्चुअल अर्थ क्या है? सांसारिकता। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। वही एक छोटी सी चीज है, बिंदु। आज से 10-11 वर्ष पूर्व मैंने एक सत्संग में ये बात कही थी, अगर आप लोग में से किसी को ध्यान हो, कि हमें ज्यादातर लोग तो बहुत छोटे ही रहे होंगे उस वक्त। बिंदु से ब्रह्मांड, और ये लिखा भी था, मनुष्य का जीवन बिंदु से ब्रह्मांड की यात्रा है, बिंदु से ब्रह्मांड की यात्रा है। उसको मैंने कई बार उद्धृत भी किया है। वो हर जगह मैंने उसको कई अपने अपने तरीके से कई बार कहा है। गीता तो अभी पढ़ रहे हैं, उसके पूर्व में भी मैंने बिंदु से ब्रह्मांड, मनुष्य का जीवन बिंदु से ब्रह्मांड की यात्रा है और पुनः वापसी। एक और संकेत कर रहा हूं मैं आपको, और यहां बिंदु क्या है? यही एटम है, और यही एटम जब कलेक्ट होता है, ये शेयर फिलॉसफी है। बहुत सारे लोगों को आने लगी है नींद, बहुत सारे लोग तैयारी में हैं, बहुत सारे लोग झटक भटक के अपना अपने आप को चुस्त दुरुस्त किए बैठे, लेकिन इसमें एक बार डूबने की कोशिश करो, तब आपको चीजें इतना आनंद देंगी, क्योंकि हर शब्द आप ही के समक्ष चुनौती रख रहा है, हर शब्द आपको एक चैलेंज दे रहा है, हर शब्द वो आपको एक चैलेंज कर रहा है। अब अगले यूनिट क्या है? दो परमाणु मिलकर एक अणु बनता है। ये काल कहां से शुरू करे? परमाणु अणु से। और फिर कहते हैं दो परमाणु से एक अणु होता है, और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रिश्रेणु होता है जो जरोखे में से, हालांकि उस वक्त ये शब्द नहीं होगा जरोखे, ये जरोखा उन्होंने उस वर्जन को इजी करने के लिए किया होगा। श्लोक 5 है ये। उस जरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। वंडरफुल सिंबल। तो उसमें हमने एक चीज देखनी है, एक ऐसा छेद जरूर होगा आपके घर में अथवा कुटिया में जहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा, और उसमें आपको धूल के कण दिखाई देंगे। उसकी कल्पना है, संकल्पना है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो आकाश में उड़ता हुआ देखा जाता है, ऐसे करके आया है, यहां आपको दिखेगी नहीं वो धूल, लेकिन वो आकाश में उड़ती हुई देखी जा रही, उसके लिए ये कह रहे हैं। ऐसे तीन त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे कहते हैं त्रुटि। यद्यपि आप लोगों को मेरे शो से ये सारा कुछ मिला हुआ है, लेकिन ऋषि मैत्रेय को पढ़ने की जो सुखद अनुभूति हो रही है वो अलग है ना। टीवी पर उतना गंभीर चर्चा भी कर सकते हैं हम। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है, और तीन वेद का एक लव होता है। तीन लव को एक निमेश,
और तीन निमेश को एक क्षण कहते हैं, यानी एक क्षण तक आते आते इतनी सारी यूनिट्स जुड़ती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप इतना एक क्षण बर्बाद करते हैं तो कितनी सारी चीजें बर्बाद करते हैं, अणु परमाणु त्रिशणु निमेश। इसलिए जीवन में आलस्य की कोई जगह नहीं। काम करते रहोगे तो बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। और जो लोग बहुत सारा इधर का उधर उधर का इधर करते हैं, जिनमें वैसी बुरी आदतें होती हैं, आप प्रथम दृष्टया ये समझ लो वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि काम करने वाले पर समय ही नहीं होता। पांच क्षण की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़िका होती है, 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है, और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाड़िका एक प्रहर होता है। 8 प्रहर होते हैं दिन में, तो एक प्रहर तक आई, यानी कितना सूक्ष्म ज्ञान है। हम आज भी नैनो सेकंड से शुरू करते हैं, माइक्रो सेकंड की बात कर लेते हैं, नैनो सेकंड से शुरू करते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं विज्ञान सब कुछ है, मैं इसीलिए उनसे पूछता हूं विज्ञान पहुंचा कहां तक है? जो स्वयं अधूरा है उस पर मैं निर्भर कैसे हो सकता हूं? मैं तो उस पर निर्भर हो सकता हूं जो स्वयं अधूरा ना हो। तो विज्ञान पर कितना निर्भर हो सकूंगा? इसलिए वैज्ञानिक सोच पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि यह हमें विज्ञान की पराकाष्ठा तक लेकर जाएगी। विज्ञान नहीं लेके जाएगा, विज्ञान एक विषय हो गया, सोच लेके जाएगी। और यही करोड़ों में से किसी एक हाथ पर डेवलप होती है, वो लोग किसी के रोके नहीं रुकते हैं, वो बहुत आगे निकल जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं रोक पाता। कोई बहुत ही बुरे कर्म करके आए हो पूर्व जन्म में तो एक अलग बात है, अन्यथा नहीं रुकते, वो आगे निकलते चले जाते हैं। छह या सात नाड़ी का एक प्रहर होता है, इसको याम भी बोलते हैं, जो मनुष्य के दिन अथवा रात का 4वां भाग होता है, यानी दिन और रात मिला के 8 भाग हो गए, यानी 3 घंटे। 3 घंटे में आभाएं हैं। भारत की काल गणना, जिस पर लोग बड़े सारे प्रश्न उठाते हैं कि जब 0 ही नहीं पता था तो काल कैसे गणना कर ली, जब 0 ही नहीं, हमें पता था, किसने कह दिया हमें नहीं पता था? अपने आप से ही बना लिया एक नैरेटिव कि 0 नहीं पता था। अथर्ववेद है इसका वर्णन, जब महाभारत में चतुरंगणी सेना की बात की जा रही है, अक्षौहिणी सेना की बात की जा रही है, तो 0 का ज्ञान नहीं होगा। जब प्रभु श्री राम योजन की बात कर रहे हैं तो 0 का ज्ञान नहीं होगा। जब वाल्मीकि रामायण में अंगद कह रहे हैं कि मैं इतने योजन तक कूद सकता हूं बस, तो क्या 0 उसमें नहीं आया हुआ होगा? किसने कह दिया ये समझ में नहीं आता। छह पल, सुनिए एक बहुत गजब थ्योरी आने वाली है, 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके और 4 माशे सोने की, 4 उंगल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। समझ रहे ना? जितने समय में 1 प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए
और वह बर्तन जल में डूब जाए उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। यह हमारी घड़ी थी, एक बड़ा बर्तन है, पानी भर दिया, एक छोटा बर्तन लिया, उसे उस पानी में रखा, बीच में छेद कर दिया, वो धीरे धीरे पानी नीचे से लेता रहेगा, जब उसमें पानी भर जाएगा तो वह डूब जाएगा, एक नाड़िका होगी। निमेश पलक झपकाना, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं समय को। जंतर मंतर आप लोग तो कई बार गए होंगे, सुना तो बहुत होगा, जंतर मंतर पर क्या ऐसी खास चीज है जो मेरे और आपके काम की है? कोई गया है वहां पे? किसने बनवाई थी ये? सवाई जय सिंह। सूर्य एक एंगल पर, जो उन्होंने कहा ना डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, वो अलग अलग एंगल्स हैं, वो सिंपल घड़ी ऐसे नहीं घूम के आ गई, अब जाओ एक दो घंटे तीन घंटे वहां लगाओ, ये मत देखना कि उसके बाहर पुचके वाला बैठता है, इन गोलगप्पे वाला, अंदर जाओ। सवाई जय सिंह बहुत बड़ा काम करके गए आपके लिए, तो वो समझने की कोशिश करो। याद करो जब हम कोणार्क मंदिर गए थे, कोणार्क मंदिर हम नहीं भी जा सकते थे, वहां था क्या, टूटी फूटी बिल्डिंग यूं तो, लेकिन वहां विज्ञान का वो रहस्य था जो मैं चाहता था आप लोग देखें, और मैं ये आपको देखते हुए देख रहा था कि कितने लोग एक्चुअली उसे देख रहे हैं। एक पर्टिकुलर टिपिकल पॉइंट से, हालांकि वो अब बुर्ज तोड़ दिया गया, लेकिन मैंने बताया था आपको बाहर खड़े होके, ये भी भगवान की चीज है, ये भी ईश्वरीय ज्ञान है ना, इसमें मटकना नाचना नहीं होता, वो एक अलग बात है, लेकिन यह भी ईश्वरीय ज्ञान है। तो मनुष्य का पूरा जीवन उस ज्ञान से सर्वोर रहता है, उत्साह आता है जब ऐसा ज्ञान सुनते हैं। तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं जो शिक्षक हैं, या हम कैसे बताया करें ये चीजें, स्टूडेंट्स को बताने का मन होता है, मैं किसने रोका है, वो सरकार ने, मैंने कहा सरकार क्लास के अंदर है, आपके पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप बता दीजिए। हमें वीव करना आना चाहिए, कई विचारों को एक साथ बुनना आना चाहिए। जब हम दो रंग का तीन रंग का स्वेटर बनाते हैं तो वीव करते हैं, तीन रंग हैं, अलग अलग गुल्ले हैं उसके ऊन के, लेकिन जब उसको हम ऐसे ऐसे करके करते हैं, फंदा बनाते हैं सिलाइयों में, तो उसको वीव करते हैं, तो वह तीन विचार एक स्वेटर में, यानी दो सिलाइयों के माध्यम से वीव कर दिया। तो ये वीविंग आनी चाहिए, बहुत इसमें फिर मजा आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज बता रहा हूं, पानी की हर बूंद अपने आप में एक लेंस है, क्लियर है, ये तो सबको पता है। यहां पे दो कैमरे हैं, आप सबके पास मोबाइल है, उसमें भी कैमरा है, उसमें भी लेंस है, हा? स्वामी जी जब किताब पढ़ते थे, जब उनकी आंखें लगभग जाने ही वाली थी, तो वह भी एक लेंस से पढ़ते थे, उस वक्त ऐसे चश्मा नहीं था, वो लेंस से पढ़ते थे, उसमें भी एक लेंस है। अब हमारी निपुणता क्या है कि एक नेचुरल लेंस को
एक आर्टिफिशियल लेंस के साथ कैसे जोड़कर एक नया दृश्य बनाया जाए. दिस बिकम्स द थर्ड थिंग विच इज कॉल्ड आउटपुट. ये क्रिएटिविटी है, ये ब्रह्म है. तो लगातार उसका चिंतन करना पड़ता है. और ऐसे प्राणी बाकी दुनिया से अलग हो जाते हैं. फिर हो जाते हैं तो ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें. बाकी दुनिया से आप अलग हो गए, अलग मानते, अलग आपका स्टाइल है तो है. अलग हुए बिना तो भीड़ का एक हिस्सा ही बनोगे, कंकड़ पत्थर ही रह जाओगे. तो अलग तो होने ही हुआ. ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें. आगे चलते हैं. विदुर जी मैत्रेय ऋषि कहते हैं, चार चार पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन का एक पक्ष होता है जो शुक्ल और कृष्ण भेद से दो प्रकार का माना जाता है. इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है जो पितरों का एक दिन रात है. यानी हमारा मनुष्य का, जीवित मनुष्यों का एक महीना, पितृ का एक दिन रात, अहोरात्र बुध. दो मास का एक ऋतु है और 6 महीने का एक अयन होता है. उत्तरायण, दक्षिणायन. समझ रहे हैं वो इसके साथ अयन क्यों लगा है. अयन दक्षिणायन और वही उदाहरण. अयन दक्षिणायन उत्तरायण भेद से दो प्रकार का है. ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते. मनुष्य का एक महीना, पितरों का एक दिन. मनुष्य का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन. अब यहां आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है, समझ में आएगा भी. मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं. ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई. ये उस समय की बात है. चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारा मंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा करते हैं. एक बात क्लियर होती है यहां? यस. अब इसके पीछे फिजिसिस्ट को कितना वक्त लगा, और ये थ्योरी बिल्डअप करने से पहले जो एक इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट के बाद ही थ्योरी बनती है. ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो इंसिडेंट को रीड एंड राइट करने में वर्षों लग गए. यहाँ है, लेकिन जिनके पास है उन्हें उसे देखने की फुर्सत नहीं मिली. हमें तो यही बात में मजा आता है कि कौन किसका पोता था, चाहे वो सत्य हो या झूठ हो. तो ये सारी चीजें, ये उपमा है. देखिए, उपमा शाब्दिक होती है, भावगत होती है और सांकेतिक होती है. जैसे कोई व्यक्ति आपसे पूछे, ऊपर से गिरेंगे तो क्या होगा, आपने पेंसिल यूं करके बता दी. खुद गिर के थोड़ी बताएंगे, यानी वो भी समझ गया नीचे गिरेंगे. चंद्र आदि ग्रह, अश्विनी आदि अधिष्ठायक काजल भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि. एक संवत्सर यानी एक साल. अब हम गुड़ी पड़वा मनाएंगे. गुड़ी पड़वा का क्या अर्थ है? नव वर्ष. इसीलिए
हम ध्वज लगाते हैं नया, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, सहयोग से नवरात्र भी उस समय आते हैं, तो हम लोग कलश स्थापना आदि भी करते हैं, तो ये नव वर्ष है। यहां से संवत्सर बदल जाता है, ठीक है। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से ये वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन पांच प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेज रूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीजादि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्तियों को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। एग्रीकल्चर आ गया, इस अयन के हिसाब से एग्रीकल्चर चलता है। एक अयन में बोया जाता है, अयन के मध्य मार्ग में काटा जाता है, फिर बोया जाता है, अयन पूर्ण होने पर काटा जाता है। अब क्या किया जाएगा, होली आ गई है, कितना सुंदर वर्णन है। ये पुरुषों की मोहनी वृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं। ये समझने का, आयु का क्षय यानी 12 महीने निकल गए तो आयु में से तो कम हो रही है, ये मतलब है सिंपल इसका। तथा यही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि मंगल में फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर आपने देवता, पितृ और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया, अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्पना से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भलीभांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैंने इसके बारे में आपको बहुत संकेत किए हैं, उसका उपयोग आप कैसे करते हैं ये एक अलग बात है। समझ में किसी की आ गई होगी, किसी की बिल्कुल नहीं आई होगी। किसी की समझ में आ गई होगी तो चिंतन मनन और उपयोग शुरू कर देगा, किसी ने समझ लिया तो प्रमादवश आनंदित होकर बस हाँ मजा आया। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये चार युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं। 12, 24, 36, 48 इस युग में बढ़ते हैं। इन सत्यादि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उसकी संध्या होती है। जहां कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है ना, वो यहां होती है। संध्या का मतलब शाम नहीं होता है, शाम का मतलब साय होता है, संध्या का मतलब होता है जब दो काल मिलते हैं, और इसीलिए त्रिकाल संध्या पूजा की जाती है। प्रातः संध्या जिसमें आप लोग करते हैं, मध्यान्ह संध्या जिसमें पुरोहित जी प्रसाद देते हैं, और सायं संध्या जिसमें फिर आप आरती आदि पूजन करते हैं। तो ये त्रिकाल संध्या कहलाती है।
युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेत्ताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया गया है। अब ये धर्म रिलीजन नहीं है, यानी युग के हिसाब से आपका कर्तव्य बदलता है। एक युग में आप शांति का संदेश दे रहे हैं तो दूसरे युग में आप युद्ध का संदेश दे रहे हैं, तो तीसरे युग में आप युद्ध कर रहे हैं, तो चौथे में आप युद्ध करवा रहे हैं। इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कहीं का युद्ध शांत किया जाता है और कहीं का युद्ध लड़ा जाता है। ईश्वर ना करे, भगवान ना करे, कभी ऐसा हो भारत को युद्ध करना पड़े तो हमें ये युद्ध लड़ना चाहिए। ये युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन घर में अगर युद्ध हो तो वो युद्ध शांत करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। वैसे होता उल्टा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सत्य युग में मनुष्य में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक क्षण, एक एक चरण क्षीण होता जाता है। इसलिए कहते हैं कलयुग में धर्म एक पांव पर खड़ा है। वो एक्चुअली अब उसे फिल्मों ने कह दिया वो एक पांव पर खड़ा हुआ है। उसका अर्थ है बहुत गहरा। ये पुरुषार्थ की बात हो रही है और कलयुग तक आते आते वह धर्म कम हो रहा है, यानी उसके पांव ऐसे, ये उपमा है, उसके पांव एक कंपैरिजन है, कम हो रहे हैं और अधर्म बढ़ रहा है, ये कहने का अर्थ है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी के बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है। अब ये क्यों कहा है? आप आकाश में ग्रहों आदि की गति को देखेंगे तो समझ में आएगा। ये मजाक नहीं है। लोग मजाक उड़ा देते हैं, कौन उड़ाता है? पढ़ता नहीं है। और कौन उड़वाता है? जिसने पढ़ा नहीं है। लेकिन यदि आप इसे बहुत ध्यान से समझे तो देखिए, जो बृहस्पति का रोटेशन रिवोल्यूशन है, या जो हमारे जोडियक्स का, या आकाश गंगा का, यानी इस ब्रह्मांड का जो रोटेशन है, वो पृथ्वी के हिसाब से उसकी जो गति है नेचुरली स्लो होगी, ये उसकी चर्चा है। फिर से अब समझने की कोशिश कीजिए, त्रिलोकी के बाहर, श्लोक के बाहर, महलोक से ब्रह्म लोक पर्यंत यहां की एक सहस्त्र यानी 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है। हर ग्रह का ग्रेविटेशन अलग होता है, हर ग्रह के दिन रात अलग अलग होते हैं, ये उसकी चर्चा है। और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। ये भी एक कंपैरिजन के रूप में समझिए।
एक सोते हुए व्यक्ति से कंपेयर किया गया ब्रह्मा जी को। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता है। उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं, समझिए, एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। डिवाइड कर लीजिए, प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी, गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। अधिकार भोगते हैं ये नेगेटिव बात नहीं है, मतलब जो भी उनका राइट है, हम उसे अगर अपनी भाषा में कहते तो कहते वी एंजॉय अवर राइट, ये वही अर्थ में। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, यानी वो पूरा जो ब्रह्मांड है उसका जो मूवमेंट है, और उसमें हमारी धरती ये है और उसमें हम कहाँ हैं पता ही नहीं, ये उसका कंपैरिजन हो रहा है उससे। तो ये ऐसे ऐसे तेज तेज घूम रहा है, वो बहुत स्लो 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 स्लो। जो चंद्रमा की गति है 2.25 दिन में एक राशि, सूर्य 30 दिन में एक राशि, बृहस्पति को 12 वर्ष में एक राशि। सूर्य से बहुत दूर है, बहुत बड़ा है, उसको ज्यादा समय लगेगा। पूरा ब्रह्मांड समझ रहे हैं हम बैठे बैठे। तब वे तमो गुण के संपर्क को स्वीकार कर अपनी सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेत भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। इसे कहते हैं महाप्रलय। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भू, हमने समझा था ना पिछले बार, भू भुवा स्व तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। और ये डिके का प्रोसेस कैसे हो रहा है, केदारनाथ और बद्रीनाथ का उदाहरण लीजिए आप, बीच का हिस्सा बैठता जा रहा है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि एक समय में ये दोनों पर्वत बैठ जाएंगे, गायब हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे, और उसकी जगह उद्भव होगा एक नए पर्वत का जिसे नर नारायण पर्वत कहा जाएगा। अब देखिए जमीन बैठनी शुरू हो चुकी है, एकदम तो कुछ नहीं होगा, इसे बहुत समय लगेगा, लेकिन होगा, उसके संकेत मिलने लगे। कब की कैलकुलेशन है, कितनी लंबी कैलकुलेशन, ये दिमागदार लोगों का काम है। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं, इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण मरलोक से जनलोक को चले जाते हैं। जनलोक क्या है ये हमने समझा ही था पिछली बार। इतने में ही सातों समुद्र प्रलयकारी के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। जयति लीलयति, सब चीजें जुड़ी हुई चल रही हैं दूसरे से। तब उस जल के भीतर भगवान शेषाई योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर यानी एक एक हजार चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है।
ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं, लगभग हम आ गए हैं उस अवस्था में, आधे समय में प्रारब्ध में आ गए। अब तक पहला प्रारब्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व प्रारब्ध के आरंभ में ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म। आप क्या कहते हैं शब्द ब्रह्म को? ओंकार कहते हैं नानक साहिब। उसी परार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्य कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था, जिसको दादा पोता बना दिया, ये है वो थे। असल में कमल थोड़ी निकल रहा है, उसका अर्थ समझने की जरूरत। विष्णु जी नामक पुरुष से ब्रह्मा जी या शिव जी नामक पुरुष कैसे पैदा हो सकता? पूरी सृष्टि बदल देगा। आज विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वे दूसरे परार्ध का आरंभक बताया बतलाया जाता है। ये वारा कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने शुकर रूप धारण किया था, शुकर भी बोलते हैं उसे, यानी यानी वाइबोर जंगली सूअर। यस, जंगली सूअर, ये नहीं शहर वाला, नहीं दांत दोनों के होते हैं। ये दो परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेश माना जाता है। पलक झपकते ही प्रलय आ गई, ये है उसका। पलक मेरी नहीं झपकी, आपकी नहीं झपकी, विष्णु जी की झपकी, उनका एक निमेश, यहां एक युग हो जाता है, काल गणना है। आगे यह परमाणु से लेकर द्विपराध पर्यंत फैला हुआ काल सर्व समर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। कितनी गहरी बात है, समझो। देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है, यानी काल का प्रभाव कहां किस पे हो रहा है? यानी जो एथेरिक बॉडी है उस पर नहीं हो रहा है। अब श्री कृष्ण जी का वो श्लोक पढ़ो जो इन्होंने मंच से उद्धृत किया था। हाँ, बार बार सुनने का मन होता है परम मुख से। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, नैनम पिद्यन्त्यापो शोषति मारुता। जो किसी भी प्रकार के शस्त्र, अग्नि, वायु जिसे सुखा नहीं सकती, जो समस्त प्रकार के कलेशों से मुक्त है, यहां तक कि काल से भी मुक्त है, वह आत्मा है। बाकी सब शरीर। तो आत्मा को किस पर रोना चाहिए या किसके साथ प्रसन्न रहना चाहिए? आत्मा को आत्मा के साथ
लेकिन दुख की बात क्या है, आत्मा शरीर के जाने पर रोती है, शरीर के आने पर हंसती है। प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन आठ प्रकृतियों के सहित दस इंद्रियां, मन और पंचभूत, सांख्य दर्शन, राइट। इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ ये ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। बड़ा कर लो, 50 करोड़ इंटू 13, कहीं 16 गुणा कर लो, लगभग वही क्षेत्रफल निकल के आएगा जो क्षेत्रफल सामान्यतः हमारे कॉस्मोलॉजिस्ट या एस्ट्रोफिजिसिस्ट देते हैं। तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, 7 लोक, 7 आसमान। इनको अर्श बोला जाता है, ठीक है, यही है। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड, वह इन प्रधानादि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। पहला क्या है, अब है, और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री भगवान श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ स्वरूप है। यानी अब आपने एक शब्द को एक अक्षर में परिणित होते हुए देखा। ये कौन सी थ्योरी है बाय द वे, क्वांटम फिजिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की नहीं हुई, क्योंकि एक तो वेव है, yes. वेव टू पार्टिकल, वहां वेव में तो मैटर है ही नहीं, पार्टिकल में मैटर है, एंड फ्रॉम पार्टिकल टू वेव। यह अवस्था जीवित रहते हुए किसे प्राप्त होती है, योगी को। यह मैंने एक और संकेत दिया आपको, स्वामी जी को समझने के लिए, गुरु महाराज को समझने के लिए। आज का ये जो अध्ययन था ये बहुत महत्वपूर्ण है, केवल उनके चित्रों के सामने शांत भाव से बैठने से कुछ नहीं होगा। एकाकार जिसे हम कहते हैं, एकाकार होना, एक आकार होना, ये एक आकार तब होते हैं जब पूर्ण समर्पण होता है, और जिस समय ये पूर्ण समर्पण होता है तब हम कह सकते तत् तम मसी, अहम ब्रह्मास्मि। मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, मैं भी ब्रह्म हूं। जब आप अपने प्रपंच को छोड़कर, यानी ये जो बॉडी है से छोड़कर क्या हो जाते हैं, वेव हो जाते हैं, एथेरिक बॉडी है, सूक्ष्म शरीर। कितना महत्वपूर्ण विषय विदुर जी ने पूछा, मैत्री जी ने बताया, और मैंने पढ़ा, आपने सुना।
इस पर चिंतन मनन करते रहिए कि हम आप कहां बीच में खड़े होते हैं। आगे इतनी गहराई में जो दर्शन या दार्शनिक चला जाता है वह सांसारिक वृत्तियों में नहीं उलझता, और जो सांसारिक वृत्तियों में नहीं उलझता वही शांति की बात कर सकता है, वही किसी को क्षमा कर सकता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है क्षमा करना। ऊपर ऊपर से क्षमा मांग जाते हैं लेकिन अंदर अंदर वो जो ज्वाला है वो प्रखर भड़कती चली जाती है। इसे कहते हैं षड यंत्र। इसकी संधि विच्छेद करके समझो इसे, छह प्रकार की यंत्र, षड यंत्र। उससे वह अपने शत्रु को परास्त करने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें चार के बारे में तो सबने सुना ही है, साम साम दाम दंड भेद। पंचम क्या है? अर्थविहीनता, अर्थविहीन कर दो, जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट टैक्टिस है। और छठा क्या है? शत्रु का शत्रु कौन होता है? शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो स्वयं अपने शत्रु से ना लड़के अपने मित्र को शत्रु से लड़ने भेजो, जो आजकल होता है जिसे हम फौज की भाषा में कहते हैं एसिमेट्रिक वॉर, फाइटिंग ऑन एनिमी सॉइल। षड यंत्र, आज इतना ही। यज्ञ का समय हो गया है, और भी इसके आगे बहुत बहुत चीजों की उत्पत्ति हुई है काल के अनुसार। भारत का दर्शन और भारत का ज्ञान अविरल धारा है, और मैं बड़ा दुखी होता हूं यह सुनकर जब यह कहता है शास्त्र में वो लिखा बस चीज वहीं तक खत्म। जब कोई यह कहता है कि ये शास्त्र तो अपौरुषीय है, उसके बाद नहीं आए, उसके बाद ये लिखे ही नहीं गए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक उपनिषद जगत गुरु पूजनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य जी के गुरु के गुरु द्वारा लिखा गया था, मांडुक्य उपनिषद। तो ये जो जड़ की प्रवृत्ति आई है धर्म गुरुओं में, हम लोगों में, आध्यात्मिक गुरुओं में, मैं तो खैर स्वयं को गुरु नहीं कह रहा, लेकिन अध्यात्म पढ़ने वालों में, सोचने वालों में जो जड़ की प्रवृत्ति आई है, यह विद्वत्ता की, ऋषित्व की मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध है, क्योंकि हमें काल के अनुसार चलना होता है। और अतः जितना काल परिवर्तनीय है उतना मनुष्य भी परिवर्तनशील है, और कोई भी चीज जड़ नहीं है, सब में चैतन्यता है, अलग अलग प्रकार की है लेकिन सब में चैतन्यता है। शास्त्र जड़ कैसे हो सकते हैं? रामायण भी तो लिखी गई ना, रामायण लिखे जाने से पहले रामायण नहीं थी, ऋग्वेद आदि भी तो श्रुति परंपरा से आए ना, ऋग्वेद से पूर्व ऋग्वेद नहीं था, कुछ और हो सकता है क्या? गीता भी बोली गई ना, उसके पूर्व गीता नहीं थी, और गीता के जितने दर्शन हैं उससे पूर्व नहीं थे। तो आज ये चीज जड़ कैसे मान ली जाती है?
युवा जन इस पर जरूर विचार करें, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन में एक धारणा बना ली है वो या तो मेरी प्रशंसा करेंगे या मुझे मेरी जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। सोशल मीडिया ऐसा ही है। लेकिन जो लोग चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उन्हें सोचना जरूर चाहिए कि कोई भी ज्ञान जड़ कैसे हो सकता है, कोई भी काल जड़ कैसे हो सकता है, और काल का प्रभाव शरीर पर है तो शरीर भी जड़ कैसे हो सकता है, मन काल के प्रभाव से परे है तो मन भी जड़ नहीं हो सकता, विचार भी जड़ नहीं हो सकता, और विचार काल के अनुसार जो आवश्यकता आती है उसी से आविष्कार करता है, और उसी से आविष्कार करने का अर्थ ही यह है कि वह भी जड़ नहीं है। अन्यथा जो धरती के उद्भव के समय था उसके आगे धरती बढ़ी ही नहीं होती, जो श्री राम के समय था श्री कृष्ण का समय आया ही नहीं होता, जो ऋषि विश्वामित्र समझा रहे हैं वही अंत हो गया होता, जो गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं वो अंत हो गया होता। बाकी लोग आते ही नहीं, बाकी लोग थ्योरीज या फिलॉसफी देते नहीं, क्योंकि प्रभु खुद कह रहे हैं संध्यांश के समय प्रभु शेष स्थिति में, विश्राम स्थिति में, संध्यांश के समय युग की युग के उपरांत, और महाप्रलय क्षमा कीजिए प्रलय के उपरांत फिर सृष्टि का निर्माण हो रहा है, फिर परिस्थितियां अलग है। तो सब कुछ जड़ कैसे हो सकता है, इनस्टेबल कैसे हो सकता है? स्टेबिलिटी इज इम्पॉसिबल, स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती, न मन में, न विचार में, न कर्म में, न शरीर में, न सोच में। नहीं तो बड़े से बड़े ऋषि भी जिस अवस्था में पैदा हुए होते वैसे ही रहते, शरीर बढ़ा, बुद्धि बढ़ी, अनुभव बढ़ा, विचार बढ़े, विचार शक्ति बढ़ी, अनुसंधान बढ़े, नया दर्शन लोगों के सम्मुख आया, तो नवीनता अविरलता है। और चूंकि ये सब काल के पंख पर अग्रसर है इसलिए जड़ नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी फिक्स्ड, दे हैव टू फ्लो, they have to flow, they have to flow till they last, और वो कब last करेंगे nobody knows। तो आज यहीं रुकते हैं, अब हम यज्ञ की ओर चलते हैं। मैंने बहुत सारे संकेत आपको दिए हैं, चिंतन मनन कीजिए, और ये मैं अगले शनिवार जानने का प्रयत्न करूंगा कि आप में से कितने लोगों ने कितने अच्छे प्रश्न किए। आप सबका कल्याण हो।